कैस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आप कोई प्रोग्राम देखने जा रहे हैं या आप कोई फिल्म डाउनलोड करके देखने जा रहे हैं और आपकी एलईडी टीवी में ऑडियो फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड का यदि एरर मैसेज आता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, उसका जो 100% सॉल्यूशन है मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए मेरा वीडियो। सबसे पहले आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाना है और एक सॉफ्टवेयर है AVI DMUX, ये आपको 32 बिट में भी मिलेगा और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मिल जाएगा। आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आप पता कर लें, 32 बिट या 64 बिट है, और इसको सर्च करें और आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बताता हूँ इसका प्रोसेस। सबसे पहले इसको चालू कर लेना है। इस प्रकार से इसका इंटरफेस आएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉपी, वीडियो, ऑडियो, टूल्स बहुत सारी चीज़ें रखी। सबसे पहले आपको ये फोल्डर देख रहे हैं, यहाँ जाना है आपको। यहाँ जाने के बाद में आपको वो फिल्म या वो प्रोग्राम ले लेना है जिसमें आपको जो एरर आ रहा है, ऑडियो का एरर आता है नॉट सपोर्ट का, वो वाला फिल्म इसमें ले लेना है। इस प्रकार से इसमें टाइम रिमेनिंग होगा और वो जो फिल्म है वो इसमें आ जाएगी। ये फिल्म इसमें आ चुकी है। तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। उसके बाद वीडियो आउटपुट है, इसको भी आपको नहीं छेड़ना है। यहाँ पर ऑडियो आउटपुट टू ट्रैक्स, इसको आपको खोलना है और यहाँ पर AACFD के में आपको इसको क्लिक कर लेना है। जो आपका एरर आता है वो इसी की वजह से आता है, क्योंकि डुअल ऑडियो होती है, कभी हिंदी भी होती है और इंग्लिश भी होता है, और कभी कभी जो टीवी होता है वो सपोर्ट नहीं करता, वो इसकी वजह से नहीं करता है। तो यहाँ पर इसे आप टिक कर लें। उसके बाद आप जाएं ऑडियो में, यहाँ पर ऑडियो दे रखा है, ऑडियो में आप जाएं। सबसे पहले सेलेक्ट ट्रैक है, इसको क्लिक करें तो आपके सामने FDK में हमने इसे चुन लिया है और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी आता है। ये इंग्लिश है और नीचे हिंदी है। यदि आपको दोनों ही चाहिए तो FDK में करके और इसको टिक कर लें इनेबल्ड और इनेबल्ड में, और इसे ओके कर दें। यदि केवल आपको हिंदी ही चाहिए तो केवल आप एक क्या करें, इनेबल्ड जो इंग्लिश वाला है ऊपर वाला, इसे बंद कर दें और ट्रैक टू जो हिंदी वाला है उसे ही ओके कर लें। जो भी आपको उचित है वो आप कर सकते हैं। इसको ओके कर लें। ओके करने के बाद में आप सेव पर जाएं। ये सेव का जो चिन्ह दे रखा है, सेव कर लें इसे, और कुछ मिनट के बाद में वो वीडियो आपका सेव होकर के आपके मेमोरी कार्ड में आ जाएगा और फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से वो वीडियो बिना किसी ऑडियो एरर के देख पाएंगे। तो आप कमेंट्स करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें।